दोस्तों कैसे हो। मैं आपका साथी अपने YouTube चैनल अमित मैत्री पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज का टॉपिक जो होगा वो होगा IPC की धारा 1860 का दूसरा पार्ट। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। धारा 151, 5 या अधिक व्यक्तियों के जनसमूह जिसे बिखर जाने का समादेश दिए जाने के पश्चात जानबूझकर शामिल होना या बने रहना। धारा 152, लोक सेवक के उपद्रव दंगे आदि को दबाने के प्रयास में हमला करना या बाधा डालना। धारा 153, उपद्रव कराने के आशय से बेहूदगी से प्रकोपित करना। धारा 153 क्या है? धर्म, मूलवंश, भाषा, जन्मस्थान, निवास स्थान इत्यादि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता, संप्रवर्तन और स्वार्थ बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना। धारा 153 खै, राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन प्रख्यान। धारा 154, उस भूमि का स्वामी या आदिवासी जिस पर गैरकानूनी जनसमूह एकत्रित हो। धारा 155, व्यक्ति जिसके फायदे के लिए उपद्रव किया गया हो का दायित्व। धारा 156, उस स्वामी या आदिवासी के अभिकर्ता का दायित्व जिसके फायदे के लिए उपद्रव किया जाता है। धारा 157, विधि विरुद्ध जनसमूह के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को संशय देना। धारा 158, विधि विरुद्ध जमाव या बलवे में भाग लेने के लिए भाड़े पर जाना। धारा 159, दंगा। धारा 160, उपद्रव करने के लिए दंड। धारा 161 से 165, सेवक लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में। धारा 166, लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने का आशय से विधि की अवज्ञा करना। धारा 166 कै, कानून के तहत महीने दिशा अवहेलना लोक सेवक। धारा 166 खै, अस्पताल द्वारा शिकार की गैर उपचार। धारा 167, लोक सेवक जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता हो। धारा 168, लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से व्यापार में लगता है। धारा 169, लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से संपत्ति क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है। धारा 170, लोक सेवक का प्रतिरूपण। धारा 171, कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या निशानी को धारण करना। धारा 171 क्या, अभ्यर्थी निर्वाचन अधिकार परिभाषित। धारा 171 क्या, रिश्वत। धारा 171 गय, निर्वाचनों में असम्यक असर डालना। धारा 171 घय, निर्वाचनों में प्रतिरूपण। धारा 171 ड, रिश्वत के लिए दंड। धारा 171 चय, निर्वाचनों में असम्यक असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दंड। धारा 171 छः, निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन। धारा 171 ज, निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय। धारा 171 ज, निर्वाचन लेखा रहने रखने में सहाय सफलता। धारा 172, सामानों की तामील या अन्य कार्रवाई से बचने के लिए फरार हो जाना। धारा 173, समन की तामील का अन्य कार्रवाई या का या उसके प्रकाशन का निवारण करना। धारा 174, लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहना। धारा 175, दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने का लोप। धारा 176, सूचना या इतला देने के लिए कानूनी तौर पर आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या इतला देने का लोप। धारा 177, झूठी सूचना देना। धारा 178, शपथ या प्रतिज्ञान से इनकार करना जबकि लोक सेवक द्वारा वैसा करने के लिए सम्यक रूप से अपेक्षित किया जाए। धारा 179, प्रसन्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक को उत्तर देने से इनकार करना। धारा 180, कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना। धारा 181, शपथ दिलाने या अभिपुष्टि कराने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक के या व्यक्ति के समक्ष शपथ या अभिपुष्टि पर झूठ बोलना, झूठा बयान देना। धारा 182, लोक सेवक को अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति की क्षति करने के आशय से झूठी सूचना देना। धारा 183, लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति के लिए जाने का प्रतिरोध। धारा 184, लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रतिस्थापित की गई संपत्ति के विक्रय में बाधा डालना। धारा 185, लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रतिस्थापित की गई संपत्ति का अवैध क्रय या उसके लिए अवैध बोली लगाना। धारा 186, लोक सेवक के लोक कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालना। धारा 187, लोक सेवक की सहायता करने का लोप और जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। धारा 188, लोक सेवक द्वारा विधिवत रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा। धारा 189, लोक सेवक की क्षति करने की धमकी। धारा 190, लोक सेवक से संरक्षा के लिए आवेदन करने से रोकने हेतु किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए क्षति की धमकी। धारा
धारा 191 झूठा साक्ष्य देना, धारा 192 झूठा साक्ष्य घटना, धारा 193 मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड, धारा 194 में मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के आदेश से झूठा साक्ष्य देना या घटना, धारा 195 आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि प्राप्त करने के आशय से झूठा साक्ष्य देना या घटना, धारा 196 उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है, धारा 197 मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या हस्तांतरित करना, धारा 198 प्रमाण पत्र जिसका नकली होना ज्ञात है असली के रूप में प्रयोग करना, धारा 199 विधि द्वारा साक्ष्य के रूप में लिए जाने योग्य घोषणा में किया गया मिथ्या कथन, धारा 200 ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए सच्ची के रूप में प्रयोग करना, धारा 201 अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को प्रतिस्थापित करने के लिए झूठी जानकारी देना, धारा 202 सूचना देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की सूचना देने का संशय लोप, धारा 203 किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इतिला देना, धारा 204 साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना, धारा 205 वाद या अभियोजन में किसी कार्य या कार्रवाई के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण, धारा 206 संपत्ति को संप्रेरण किए जाने में या निष्पादन में अभिग्रहित किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपटपूर्वक हटाना या छिपाना, धारा 207 संपत्ति पर उसके जब्त किए जाने या निष्पादन में अभिग्रहित किए जाने से बचाने के लिए कपटपूर्वक दावा, धारा 208 ऐसी राशि के लिए जो सौदे न हो कपटपूर्वक डिक्री होने देना सहन करना, धारा 209 बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना, धारा 210 ऐसी राशि के लिए जो सौदे नहीं है कपटपूर्वक डिक्री अभी प्राप्त करना, धारा 211 क्षति करने के आशय से अपराध का झूठा आरोप, धारा 212 अपराधी को संशय देना, धारा 213 अपराधी को दंड से प्रतिस्थापित करने के लिए उपहार आदि लेना, धारा 214 अपराधी के प्रतिच्छादन के प्रतिफलस्वरूप उपहार की प्रतिस्थापना एवं संपत्ति का प्रत्यावर्तन, धारा 215 चोरी की संपत्ति इत्यादि के वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना, धारा 216 ऐसे अपराधी को संशय देना जो अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है, धारा 216 के लुटोरों या डाकुओं को संशय देने के लिए शास्ति, धारा 216 है, धारा 212 तथा धारा 216 और धारा 216 के में संशय की परिभाषा दी गई है, धारा 217 लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति के संपर्ण से बचाने के आशय से विधि के निर्देश की अवज्ञा देना, धारा 218 किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति को संप्रण से बचाने के आशय से लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना करना, धारा 219 न्यायिक कार्रवाई में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक सेवक द्वारा भ्रष्टापूर्वक किया जाना, धारा 220 प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा जो यह जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है विचारण के लिए या प्रतिरोध करने के लिए सपुर्दगी देना, धारा 221 पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का संशय देना लोक, धारा 222 दंडादेश के अधीन या विधि पूर्वक सुपर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का संशय लोप, धारा 223 लोक सेवक द्वारा उपेक्षा से प्रतिरोध या विरक्षम से निकल भागना सहन करना, ये 223 में आता है, धारा 224 किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने प्रतिरोध या बाधा, धारा 225 किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने प्रतिरोध या बाधा, धारा 225 के उन दशाओं में जिनके लिए अन्यथा उपबद्ध नहीं है लोक सेवक द्वारा पकड़ने का लोप या निकल भागना सहन करना, धारा 225 के अन्यथा अनुपबंधित दशाओं में विधि पूर्वक पकड़ने में प्रतिरोध या बाधा या निकल भागना या छुड़ाना, धारा 226 निर्वासन से विधि विरुद्ध वापसी, धारा 227 दंड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण, धारा 228 न्यायिक कार्रवाई में बैठे हुए लोक सेवक का शास्य अपमान या उसके कार्य विघन, धारा 228 के कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण, धारा 229 जूरी सदस्य आंकलनकर्ता का प्रतिरूपण, धारा 230 सिक्के की परिभाषा, धारा 231 सिक्के का कुटकरण, धारा 232 में भारतीय सिक्के का कुटकरण, धारा 233 सिक्के के कुटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना, धारा 234 भारतीय सिक्के के कुटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना,
धारा 235 सिक्के के कुटकन के लिए उपकरण या सामग्री उपयोग में लाने के प्रयोजन से उसे कब्जे में रखना। धारा 236 भारत से बाहर सिक्के कुटकन का भारत में दुष्प्रेरण। धारा 237 कुटकृत सिक्के का आयात या निर्यात। धारा 238 भारतीय सिक्के की कुटकृतियों का आयात या निर्यात। धारा 239 सिक्के का परिधान जिसका कुटकृत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात था। धारा 240 उस भारतीय सिक्के का परिधान जिसका कुटकृत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात था। धारा 241 किसी सिक्के का असली सिक्के के रूप में परिधान जिसका परिधान करने वाला उस समय जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया था कुटकृत होना नहीं जानता था। धारा 242 कुटकृत सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उस समय उसका कुटकृत होना जानता था जब वह उसके कब्जे में आया था। धारा 243 भारतीय सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उसका कुटकृत होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया था। धारा 244 टकसाल में नियोजित व्यक्ति द्वारा जिस सिक्के को उस वजन या मिश्रण से भिन्नकारित किया जाना जो विधि द्वारा नियत है। धारा 245 टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधिवृद्ध रूप से लेना। धारा 246 कपटपूर्वक या बेईमानी से सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना। धारा 247 कपटपूर्वक या बेईमानी से भारतीय सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना। धारा 248 इस आशय से किसी सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार से सिक्के के रूप में चल जाएगा। धारा 249 इस आशय से भारतीय सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए। धारा 250 ऐसे सिक्के का परिधान जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया कि उसे परिवर्तित किया गया है। धारा 251 भारतीय सिक्के का परिधान जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया जो कि उसे परिवर्तित किया गया है। धारा 252 ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसके सिक्के पर कब्जा तो उसका परिवर्तित होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया। धारा 253 ऐसे व्यक्ति द्वारा भारतीय सिक्के पर कब्जा तो उसका परिवर्तित होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया। धारा 254 सिक्के का असली सिक्के के रूप में परिधान जिसका परिधान करने वाला उस समय जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया था परिवर्तित होना नहीं जानता था। धारा 255 सरकारी स्टाम्प का कुटकरण करना है। धारा 256 सरकारी स्टाम्प के कुटकरण के लिए उपकरण या सामग्री कब्जे में रखना है। धारा 257 सरकारी स्टाम्प के कुटकरण के लिए उपकरण बनाना है बेचना है। धारा 258 के अंतर्गत कुटकृत सरकारी स्टाम्प का विक्रय है। धारा 259 सरकारी कुटकृत स्टाम्प को कब्जे में रखना। धारा 260 किसी सरकारी स्टाम्प को कुटकृत जानते हुए उसे असली स्टाम्प के रूप में उपयोग में लाना है। धारा 261 इस आशय से कि सरकार को हानिकारित हो उस पदार्थ पर से जिस पर सरकारी स्टाम्प लगा हुआ लेख मिटाना या दस्तावेज से वह स्टाम्प हटाना जो उसके लिए उपयोग में लाया गया है। धारा 262 ऐसे सरकारी स्टाम्प का उपयोग जिसके बारे में ज्ञात है कि उसके पहले उपयोग हो चुका है। धारा 263 स्टाम्प के लिए उपयोग किए जा चुकने के द्योतक चिन्ह का छील कर मिटाना। धारा 263 के बनावट स्टाम्पों का प्रतिषेध। धारा 264 तोलने के लिए खोटे उपकरणों का कपटपूर्वक उपयोग। धारा 265 खोटे बाट या माप का कपटपूर्वक उपयोग। धारा 266 खोटे बाट या माप को कब्जे में रखना। धारा 267 खोटे बाट या माप का बनाना या बेचना। धारा 268 लोक न्यूसेंस। धारा 269 उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए एक संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभव हो। धारा 270 परिद्रोषपूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभव हो। धारा 271 क्वारंटीन के नियम की अवज्ञा। धारा 272 विक्रय के लिए अशहित खाद्य पेय वस्तु का मिश्रण। धारा 273 अपायकर खाद्य पेय का विक्रय। धारा 274 औषधियों का अपमिश्रण। धारा 275 अपमिश्रित औषधियों का विक्रय है। धारा 276 औषधि का भिन्न औषधि निर्मित के तौर पर विक्रय करना। धारा 277 के अंतर्गत लोक जल स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना। धारा 278 वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना। धारा 279 के अंतर्गत सार्वजनिक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना। धारा 280 के अंतर्गत जलयान का उतावलेपन से चलाना। धारा 281 के अंतर्गत भ्रामक प्रकाश चिन्ह या बोएपन का प्रदर्शन। धारा 282 अक्षमकर या अति लदे हुए जलयान में भाड़े के लिए जलमार्ग से किसी व्यक्ति का अपहरण। धारा 283 लोक मार्ग या पथ प्रदर्शन मार्ग में संकट या बाधा कारित करना। धारा 284 विषैले पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 285 अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण।
धारा 286 के अंतर्गत विस्फोटक पदार्थों के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण, धारा 287 के अंतर्गत मशीनरी के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण, धारा 288 के अंतर्गत किसी निर्माण को गिराने या उसकी मरम्मत करने के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण, धारा 289 के अंतर्गत जीव जंतु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण, धारा 290 अन्यथा अनुपबंधित मामलों में लोक बाधा के लिए दंड, धारा 291 न्यूसेंस बंद करने के लिए अवैध के पश्चात उसका चालू रखना, धारा 292 के अंतर्गत अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि, धारा 292 धारा 2925 के विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वास का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हों, धारा 292 के प्रिंटिंग इट इज ऑफ ग्रोसली इंडेसेंट और सीरियस मैटर ऑन मैटर इंडेंट और ब्लैकमेल, धारा 293 तरुण व्यक्ति को अश्लील वस्तुओं का विक्रय आदि, धारा 294 अश्लील कार्य और गाने, धारा 294 क्या के अंतर्गत लॉटरी कार्यालय रखना, धारा 295 के अंतर्गत किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना, धारा 296 के अंतर्गत धार्मिक जगहों में विघ्न करना, धारा 297 कब्रिस्तानों आदि में अतिचार करना, धारा 298 के अंतर्गत धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए सविचार आशय से शब्द उच्चारित करना आदि, धारा 299 आपराधिक मानववध, धारा 300 के अंतर्गत जो हत्या आती है। तो दोस्तों आज इसे यहीं छोड़ते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जो कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।